यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा वादा निभा रोडवेज बचाव सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को सिविल लाइन स्थित एक अतिथि गृह में किया गया। इस अवसर पर यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष रामजी त्रिपाठी, महामंत्री तेज बहादुर शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष शिवम त्रिपाठी, संयुक्त मंत्री श्री लाल तिवारी, क्षेत्रीय प्रबंधक डीवी सिंह, सेवा प्रबंधक संतोष कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि सिंह, क्षेत्रीय मंत्री श्री राजेश कुमार पांडे सहित यूनियन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने रोडवेज कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने, संविदा चालकों और परिचालकों को नियमितीकरण किए जाने, एसपी व्यवस्था को पुनः बहाल किए जाने सहित कुल 16 सूत्रीय मांगों पर चर्चा करते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति तय की। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष रामजी त्रिपाठी ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने उनकी मांगे जल्द ही नहीं मानी तो अब प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का काम करेंगे। कर्मचारियों के सुधार का स्वागत करेंगे। आग्रह क्षेत्रीय अध्यक्ष महामंत्री श्री तेज बहादुर शर्मा जी का पवित्र आगमन यहाँ पे हुआ है। मैं मंच के तरफ से और आप साथ ही गंगा के तट से चलकर कानपुर से चलकर गोरक्षनाथ की पवित्र धरती पर जब हम हड़ताल पे जाने का प्रयास करते हैं, हड़ताल की चेतावनी देते हैं तो शासन की चूहे हिल जाती है और इन प्रकार हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री और प्रांतीय पदाधिकारियों को बुला करके समझौते करके और इन्हें रिक्वेस्ट अनुरोध करके मना ले जाती है कि 10 दिन में हम आपके समस्त देयकों को जो हमारे देयक लंबित हैं उन्हें हम दे देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। दिन बीतते, महीने बीतते और कई कई महीने बीत जाते हैं। आदरणीय देश महामंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से 11 जून को एक बैठक आहूत की और उस जून के बैठक में हम सभी लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सरकार को घेरने के लिए परिवहन विकास सम्मेलन चलाए जाएंगे, जिसमें आदरणीय महोदय लोगों का आशीर्वाद हम सभी लोगों को 3 जुलाई को प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में इस परिवहन विकास सम्मेलन में आदरणीय लोगों के नेतृत्व में हम सभी लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों, आदरणीय व्यक्ति महामंत्री जी ने तो इसे परिवहन विकास सम्मेलन का नाम दिया। अंततः पुनः प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री को चक्का जाम और क्रमबद्ध हड़ताल की नोटिस देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सातवें वेतन की संस्तुतियां नहीं हो पा रही, छठे वेतनमान का एरियर बताया है, एसीपी के एरियर और एसीपी के लागू किए जाने के निर्देश बंद कर दिए गए हैं, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार तमाम 16 सूत्री मांग पत्रों पर अभी तक उत्तर प्रदेश शासन ने कोई सार्थक और गंभीर पहल नहीं किया। आज इस परिवहन विकास सम्मेलन का अंतिम दिवस है। आज के बाद हम सरकार को सीधे चेताने का काम करेंगे कि मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। आदरणीय अध्यक्ष ने इसे परिवहन विकास सम्मेलन का नाम दिया है, लेकिन हमने आदरणीय अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद इसे परिवहन कर्मयोगियों के आक्रोश सभा का नाम दिया है। ये हमारा आक्रोश है। मौजूद हुए हम, ये ठोस नीति ही है। जब जब सरकार ने अपनी गैर जिम्मेदाराना नीति बनाई अपनाई है, हमने ठोस नीति बनाई करके ही निर्णय लिया है। अभी कर्मचारी इस बात का फैसला कर देंगे, उसी आधार पे हमें घोषणा करनी पड़ेगी। अगला जब कहता हमारा केवल 1 दिन का चक्का जाम नहीं होगा, हमारा अनिश्चितकालीन चक्का जाम होगा।